रूल करते हो, इसके अलावा कोई और काम भी करते हो? नहीं यार, बहुत सारे काम करता हूँ। जैसे कि? थिएटर करता हूँ, लिखता हूँ, फिटनेस के लिए जिम जाता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, चीजें एक्सप्लोर करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। कितनी एज है तुम्हारी? 24। क्या किया अभी तक आपने? मैंने 17 साल थिएटर किया है दोस्त। आपने 17 साल थिएटर किया जी, उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो मेरा फेज अभी चल रहा है, मैं अभी भी थिएटर करता हूँ। अच्छा, थिएटर कर रहे हो, उसके अलावा क्या कर रहे हो? लाइक अर्न करने के लिए क्या कर रहे हो? अर्न करने की कोई जरूरत नहीं भाई। क्यों, पापा के पास है? हाँ, वो सबके पापा के पास होता है। तुमने क्या किया खुद से? अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। अभी अगर आपने करना होता, आपका एक एम होता, समाना सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये आपकी सोच है कि पैसा कमा लिया तो बहुत कुछ कर लिया। नो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है भाई। उसके अलावा क्या कमाया? उसके अलावा क्या कमाई है? हाँ, मैं 6 साल का था जब मैं आपकी इज्जत नहीं करता। मैं भी आपकी इज्जत नहीं करता, वही तो मैंने इसीलिए बुलाया ना। आज अब देखो, जो आपकी इज्जत नहीं करता आपने उसको बुलाया। आज इतने सारे लोग इज्जत करते हैं उनको बुलाते ना। क्यों बुलाएं उन्हें? वो इज्जत करते हैं। तो देखो, आप तक पहुंचना कितना आसान है। आपकी कोई बेइज्जती करे, उनसे मिलना चाहते हैं, वो आपके सामने बैठा है। सो आप समझे नहीं, हम उनसे मिलना चाहते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ के सवाल करते हैं, और जो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उनको लोगों की सक्सेस से चलती है। वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि यहाँ तक मैं क्यों नहीं पहुंच पाया। भाई मुझे वहाँ पहुंचना ही नहीं ना। जहाँ पहुंचे पहुंच नहीं पाओगे। आप पहुंच सकते हो, क्योंकि मेरा क्यों नहीं पाओगे? मेरा वो क्योंकि जो टाइम आप पहुंच सकते हो ना, आप बैठ के सिर्फ लोगों के आईडी में जा रहे हो, देख रहे हो उसने क्या किया है और कमेंट कर रहे हो। आपको मेरे बारे में पता है? मेरे को तुम्हारा जानना ही नहीं। मैं 14 साल का था जब NSD की 50th एनिवर्सरी पे आई वाज द ओनली चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्मिंग। शायद तुझे कभी एंट्री भी ना दे। अच्छा, शायद तुम्हें पता नहीं, तुमने उसके बाद एक्टिंग नहीं करी। मैं अभी जो शो कर रहा हूं, नंबर 1 शो। व्हिच शो? हां, व्हिच शो, जिसके बारे में आप लिखते हो कि भाई तेरे को एक्टिंग नहीं आती। हाँ, नहीं आती तेरे को एक्टिंग? एक्टिंग के बारे में क्या आता है? मुझे कुछ नहीं, मुझे भाई कुछ नहीं पता। नहीं पता वो, मुझे कुछ नहीं पता। इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये कुछ नहीं पता, जो तुझे पता है तूने उसका क्या फायदा उठाया? मैंने उसका भाई ग्रो किया। मैंने 17 साल थिएटर किया 24 साल की उम्र में। मेरी बात सुन, 17 साल हो गए। आगे लेके जाना, आगे चल रहा है, आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि खत्म हो गया है। मैं अभी 12 एंग्री मैन का रीराइट कर रहा हूँ, वो होगा मुंबई में। भगवान करे तू लाइफ में बहुत अच्छा करे, जब तू जो तू अचीव करना चाहता है तू मिल जाए। करता भाई वो मैं करूंगा। और इन दोनों की लड़ाई तो तुमने देख लिया होगा। आदित्य शर्मा ने प्रिंस नरुला को जो रोस्ट कर दिया, नहीं बताओ अब हम क्या करें? जो लोग रोस्ट करते हैं यूट्यूब में वो लोग क्या करें? अगर ये लोग आपस में एक दूसरे को रोस्ट करते फिरे तो। और सबसे चूतिया जो शो है ना MTV में, वो है रोडीज। तो मैंने सोचा कि आदित्य को रोस्ट किया जाए। इसकी उम्र कितना है? कितनी एज है तुम्हारी? 24। 24 साल? 24 years? अरे टकले हो चुके हो तुम। अरे अपना उम्र देखो, मेरा 23 है, इसका 24। ये तो मेरी बाप समान लग रहा है भाई। अर्न करने के लिए क्या करें? अर्न करने की जरूरत नहीं भाई, पापा के पास है। हाँ? लो, जब पापा के पास इतने पैसे है तो अर्न करने की क्या जरूरत? नहीं, मैं समझ सकता हूं प्रिंस के बारे में कि लड़के ने बहुत मेहनत करके आगे आई है भाई। मेहनत? लोगों से झगड़ा करते हुए? बिग बॉस में झगड़ा किया था इसने? मतलब प्रिंस तूने झगड़ा करके यहां पे पहुंचा है? तो ये लौंडा सही है ना कि अपने बाप की पैसों से यहां पे पहुंचा है। कोई नहीं भाई, कीप इट अप, तुम चलते रहो। अभी अगर आपने करना होता, आपका पैसा, एक पैसा एम होता। समाना सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये आपकी सोच है कि पैसा कमा लिया तो बहुत कुछ कर लिया। नो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है भाई। मेरा भी सोच इसकी तरह ही होता अगर मेरे बाप इतना रईस होता तो। नहीं, इसको तो पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है, पर मुझे है। हमारी सोच प्रिंस की तरह है कि पैसा कमा लिया तो सब कुछ हो गया। हाँ सच में यार, बहुत मेहनत लगते है पैसा कमाने के लिए। अगर इनकी बाप मेरे बाप होते तो पैसों ऐसे ऐसे उड़ाते ना हम। उसके अलावा क्या कमाई है? हाँ, मैं 6 साल का था जब मैं आपकी इज्जत नहीं करता। मैं भी आपकी इज्जत नहीं करता। लो, अब ये इसकी इज्जत नहीं करता, ये इसकी इज्जत नहीं करता, और मैं इन दोनों की इज्जत नहीं करता। हाँ, ये लोग मेरे को भी इज्जत नहीं देगा। नहीं, इज्जत वो वाला इज्जत नहीं चाहिए भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत टॉपिक में आ गया। एक दूसरे को इज्जत दो। अरे वो वाला इज्जत नहीं, मतलब रिस्पेक्ट दो यार। कि इज्जत नहीं करता आपने उसको बुलाया। आज इतने सारे लोग इज्जत करते हैं उनको बुलाते ना। मुस्कुराहट देख रहे हो भाई की?
मुस्कुराहट तो एकदम उथल पथल रहा है भाई, मतलब रोस्ट कर दिया प्रिंस नरुला को, इतनी खुशी? रोस्ट तो तुम भी हो रहे हो मेरे से। क्या मैं रोस्ट नहीं कर पाता हूं? क्या लगता है तुम लोगों को, मैं रोस्ट नहीं कर पाता हूं इसीलिए मेरे व्यूज नहीं आते? मैं 14 साल का था जब एनएसडी की 50th एनिवर्सरी पे आई वाज द ओनली चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्मिंग। शायद तुझे कभी एंट्री भी ना दे। अच्छा लो, अब बात आ गई है प्रोफेशन में। ये चाइल्ड आर्टिस्ट था और किसी के एनिवर्सरी में परफॉर्मेंस कर रहा था। अब तुम बताओ वहां पे प्रिंस को चांस दे या ना दे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर चांस दे भी देता ना तो ये दोनों चाइल्ड मिलके आर्टिस्ट को गाली नहीं दे सकते, आर्टिस्ट को कूट देते। मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट की हां छूदी पड़ी होती। फिर से गाली दे दिया मैंने। नंबर वन शो, विच शो? हाँ विच शो, जिसके बारे में आप लिखते हो कि भाई तेरे को एक्टिंग नहीं आती। हाँ, नहीं आती तेरे को एक्टिंग? एक्टिंग के बारे में क्या आता है मुझे? वो बात तो सबको पता है कि इसको एक्टिंग नहीं आती, पर तेरे में तो बहुत एक्टिंग की जज्बा है। हाँ भाई का थिएटर का करियर जो 17 साल की है, 6 साल की उम्र से ये थिएटर पहन रहा है, तो प्रिंस से अच्छा एक्टिंग तो यही करेगा ना। अबे वो भी घिस के आया है, बहुत घिसे उसने, रोडीज में घिसे, एमटीवी में घिसे, बिग बॉस में घिसे, तब जाके तेरे सामने बैठे हैं। तेरे बाप की तरह पैसा होता ना तो ये तेरे से ऊपर में बैठता। वो पास में रणविजय बैठा है ना, वो भी घिस के आया है। हाँ घिस के आया है, मरवा के नहीं। प्रिंस यार, गलती नहीं है। प्रिंस मेरी बात सुन भाई, नहीं सुन सकता। तूने बहुत रोडीज स्प्लिट्स वाला सब किया है, मैं वो सब करे बिना यहाँ के खड़ा हूँ। लो अब तो रफ्तार भी इसको रोस्ट कर दिए। ये स्प्लिट्स विला रोडिस में घिस के यहां पे पहुंचा है, और रफ्तार अपनी गानों की वजह से। नहीं इस जगह पे पहुंचना क्यों है, एमटीवी में आना क्यों है? इस जगह जो है ये चूतिया है, लोगों को सिर्फ चूतिया बनाने के लिए है। इस चैनल पे झगड़े के अलावा कुछ नहीं दिखेगा तुमको। मैं एमटीवी में रोस्ट करने के लिए सीजन देख रहा था, दिमाग फट गया मेरा, 10 मिनट से ज्यादा मैंने वीडियो नहीं देख पाया। अब जितना हो सका उसमें ये रोस्ट पेल दिए। अब तुम्हें अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और शेयर करो दोस्तों से, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जिनको इनकी दोनों के बारे में पता नहीं है। जाओ शेयर करो। तब तक के लिए गुड बाय।